हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर द सीईटी 2020 के लिए। ये क्वेश्चन जो लाया हूँ मैं आपके लिए, ये आपके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, सैम्पल क्वेश्चन में। तो इसे सॉल्व करके देखेंगे, सीखेंगे कैसे करेंगे सॉल्व। और ये पार्ट थ्री है, तो पार्ट वन टू भी देख लेना। तो क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज ए टेबल शोइंग ए परसेंटेज आउट ऑफ द टोटल ऑफ 700 एम्प्लॉय। तो ये जो 32 दिया गया है, ये 14 दिया गया है, ये 15 दिया गया है, ये सारे परसेंटेज है 700 के। जैसे मान लेते हैं 700 दे दिया गया है और पूछ लिया जाएगा कि टोटल इंटेलिजेंसी में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो 10 है। तो इसका 10% निकाल देंगे, जीरो से जीरो कटे, तो आंसर आ जाएगा 70 एम्प्लॉय वर्क करते हैं इंटेलिजेंसी में, 70 एम्प्लॉय। तो ये सारे परसेंटेज है आउट ऑफ 700 एम्प्लॉयज। रैंकिंग 6 एट्रीब्यूट्स दैट हेल्प प्रमोशन के लिए, ये सब एट्रीब्यूट्स है। रैंक 1 इज द हाईएस्ट, रैंक 1 की बात हो रही है यहाँ पे, रैंक 1 इज द हाईएस्ट। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये सारे कैलकुलेट करके देखोगे तो 100 ही आएगा। तो यहाँ पे रैंक 1 इज हाईएस्ट, इसी की बात हो रही है क्वेश्चन में। तो विच एट्रीब्यूट फॉर प्रमोशन हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रैंक। तो कौन सा एट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा प्रमोशन में रिसीव्ड किया गया है हाईएस्ट रैंक में, तो यहाँ पे देख लो। तो हाईएस्ट रैंक किसको मिल रहा है, वो है सीनियरिटी 32। देख लो आंसर, डायरेक्टली आंसर कर सकते हो 32, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, सीनियरिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी एम्प्लॉयज गेव रैंक 11 टू इंटेलिजेंसी। तो रैंक 11 में कहाँ पर इंटेलिजेंसी, ये देखो 10, और 700 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 700 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और 10% है इंटेलिजेंसी में, तो वही 10% निकाल देना हमें। 10% निकालेंगे, जीरो से जीरो को काट दिए, ये जीरो से एक, और 70 टोटल एम्प्लॉय आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है डीआई के क्वेश्चन में, विच एट्रीब्यूट कंसीडर द लिस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रमोशन। जैसा कि दे दिया गया, रैंक 1 इज द हाईएस्ट, तो रैंक 1 हाईएस्ट में सबसे लो किसको दिख रहा है आपको, तो लास्ट ऑप्शन है सोशियबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर ये देख लो 5, क्योंकि रैंक 1 इज द हाईएस्ट में आता है, तो सबसे लोएस्ट सोशियबिलिटी को दिया गया है। तो यही 3 क्वेश्चन थे आपके सैंपल पेपर में। और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, वीडियो आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।